नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं तापस अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है काव्यमय। आपको याद होगा पिछली बार हमने आपके लिए हुल्लड़ मुरादाबादी जी की पुस्तक से एक रचना आपको सुनाई थी। उसी पुस्तक से एक और रचना आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है ज्योतिष का चमत्कार। आप जानते ही हैं आजकल बाबा हमारे कितने चमत्कारी हैं, नए नए चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं। तो इसी कड़ी में उनकी ये रचना है, ये भी एक हास्य व्यंग है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं ज्योतिष का चमत्कार। हमने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी को अपनी जन्म कुंडली दिखाई। पांच मिनट के बाद वो बोला, तीन बातें नोट कर लो भाई। प्रथम ये कि जब शुक्र तुला का होकर तुम्हारी कुंडली के सप्तम भाग में आएगा तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। द्वितीय ये कि जब बृहस्पति और पंचम घर का स्वामी अपने उच्च नवांश में जाएगा तो तुमको पुत्र लाभ हो जाएगा। तृतीय और अंतिम ये कि तुम्हारी कुंडली में चंद्र मंगल योग है, चंद्रमा की दृष्टि जब बृहस्पति से मिलेगी तो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुलेगी। जैसा ज्योतिष ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। ज्योतिष के चमत्कार ने मन को छुआ। हमारी पत्नी बोली, विवाह हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, पुत्र हुआ तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, और जब 50,000 की लॉटरी खुली है क्या किस्मत मिली है। आप ज्योतिषी के पास तुरंत जाइए और आगे क्या होगा ये पूछ कर आइए। हमने ज्योतिषी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसका नौकर आया, रसिक बिहारी बाहर आया। वो बोला, आज वे किसी से नहीं मिल सकते, सुबह से ही भांग छान कर अपनी ही कुंडली का फलित निकाल रहे हैं, इसलिए हम मिलने वालों को टाल रहे हैं। मैंने उसे 10 का नोट थमाया और सीधा ब्रह्मचारी के पास आया। मैंने कहा, प्रभु आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपकी तीनों भविष्यवाणियां सत्य निकली, अब आगे क्या होगा ये बताइए। वो बोला, 50,000 फोकट के मिले हैं ना, 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तो उसका फल पाएगा, तेरी किस्मत फूट जाएगी और एक महीने की 30 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैंने कहा, इसने कहा था विवाह होगा, हुआ। उसने कहा था पुत्र होगा, हुआ। अब टांग भी अवश्य टूटेगी। मैं सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से कहा मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। वह बोला, ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा, तुम भी 100 का नोट संभालो। डॉक्टर बोला, बेड रिजर्व कर लो। बेड रिजर्व कराया, अपने घर आया। 15 दिन बाद ज्योतिषी का फोन आया, हेलो मैं ब्रह्मचारी बोल रहा हूं, टांग टूटी। मैंने कहा, जी नहीं। वो बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी की भविष्यवाणी अटल है, इस समय क्या कर रहे हो। मैंने कहा, पान खाने जा रहा हूं। वो बोला, पनवाड़ी की दुकान पर मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूं। ज्योतिषी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में ही आ गया एक खटारा, खटारे ने वातावरण की किस्मत फूट गई, मैं तो ठीक ठाक रहा, ज्योतिषी की टांग टूट गई। अस्पताल में उसी बेड पर लेटे लेटे ज्योतिषी ने कहा, उस दिन मैं भांग इतनी अधिक चढ़ा गया कि कुंडली तो अपनी देखी और भविष्य तुम्हारा बता गया, क्या बात है। तो कैसी लगी आपको आज की रचना, अपना फीडबैक अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और उससे पहले इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की मजेदार कविताएं और मजेदार रचनाओं के वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।